हेलो गाइस, आज हम लोग कुछ अलग कुछ न्यू पढ़ने वाले हैं। तो आज का चैप्टर हमारा क्या है, डीवैल्यूएशन। आप लोग देख ही रहे, ठीक है। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, अभी हम लोग ने दो तीन चार चैप्टर हम लोग ने किया है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का। तो एक बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है डीवैल्यूएशन, जो कि आज हम लोग करने वाले हैं। और इसके पहले हम लोग ने एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, हेक्शर-ओहलिन थ्योरी, ये तीन चैप्टर हम लोग ने कर लिया। अब हम लोग कर रहे हैं डीवैल्यूएशन। क्वेश्चंस इससे भी बनते हैं, और डीवैल्यूएशन सिर्फ आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए या फिर आपके एमए के एग्जाम के लिए नहीं, ये आपको जानना जरूरी है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीवैल्यूएशन। ये डीवैल्यूएशन का मतलब क्या है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत इजी वे में मैंने लिखा है। डीवैल्यूएशन मींस टू डेप्रिसिएट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो जो इसमें डीवैल्यूएशन मतलब क्या होता है, कि डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू घटता है, डेप्रिसिएट होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेप्रिसिएट होता है डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो जैसे देखिए, दो तरह का करेंसी है, एक रुपी है और एक आपका मान लीजिए कि डॉलर, ठीक है। दो करेंसी रुपी है और डॉलर है, तो यहाँ पर क्या होगा कि रुपीस का वैल्यू क्या होगा, मान लीजिए कम हो गया इस कंपेयर टू डॉलर। तो ये क्या है, ये आपको क्या बता रहा है, डीवैल्यूएशन, ठीक है। डीवैल्यूएशन में क्या होगा कि डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू घट जाएगा इस कंपेयर टू फॉरेन करेंसी। कोई दूसरे देश का कोई भी करेंसी आप ले लीजिए, चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, ठीक है, एक्सचेंज हो रहा है दो कंट्री में, इंडिया यूएसए के बीच में, 60 रुपीज पर डॉलर, ठीक है। एक डॉलर का 60 रुपीज वैल्यू है, क्या है, एक डॉलर का वैल्यू कितना है, 60 रुपीज है, ठीक है। इफ इंडिया री एडजस्ट द एक्सचेंज रेट ऑफर ₹65, क्या होता है ना कि मतलब टाइम टू टाइम क्या होता है कि सारे कंट्रीज अपने करेंसी का वैल्यू को डीवैल्यूएट करते रहते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इंडियन रुपीस था उसका वैल्यू 60 रुपया था एक डॉलर के लिए, ठीक है। एक डॉलर के लिए कितना रुपया था, 60 रुपया था एक डॉलर के लिए। अब ये हमारा एग्जांपल है, हम लोग ऐसा सपोज कर रहे हैं, ठीक है, मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक डॉलर का वैल्यू कितना था, 60 रुपीज था, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे 60 रुपीज था, अब क्या होगा कि डीवैल्यूएशन हुआ और यहाँ पे एक डॉलर का वैल्यू कितना हो गया, 65 रुपीज हो गया, ठीक है। एक डॉलर का वैल्यू क्या हो गया, 65 रुपीज हो गया। तो ये होता है डीवैल्यूएशन, मतलब कि हर मतलब टाइम टू टाइम सारे कंट्रीज होते हैं, सारे कंट्रीज में जो वहाँ की करेंसी होती है उसके वैल्यू को वो डीवैल्यूएट करते हैं इस कंपेयर टू अनदर करेंसी, ठीक है। अब देखिए, डीवैल्यूएशन कौन करता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट, डीवैल्यूएशन इज डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। जो भी कंट्री के गवर्नमेंट हैं, अलग अलग कंट्री के अलग अलग गवर्नमेंट होते हैं, तो वहाँ पर डीवैल्यूएशन का काम उस कंट्री के गवर्नमेंट का होता है, मतलब उस कंट्री की गवर्नमेंट क्या करते हैं, डीवैल्यूएशन करते हैं। अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीवैल्यूएशन, ठीक है। तो डीवैल्यूएशन सारे कंट्रीज टाइम टू टाइम करते रहते हैं अपने कुछ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो डीवैल्यूएशन सारे कंट्रीज करते हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया ही कर रहा है, यूएसए, सारे कंट्रीज डीवैल्यूएशन करते हैं टाइम टू टाइम, मतलब कि एक टाइम के बाद उन्हें लगता है कुछ जैसे ईयर के बाद कि वो अपने करेंसी की वैल्यू को डीवैल्यूएट करें, ठीक है। तो इससे उनको बहुत सारा फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है, मतलब डीवैल्यूएशन के एडवांटेज भी हैं, ठीक है, डिसएडवांटेज भी हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि डीवैल्यूएशन अगर कोई भी कंट्री कर रही है तो उसके पीछे क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीवैल्यूएशन, क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीवैल्यूएशन। तो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज इंकरेज एक्सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई भी कंट्री अपने करेंसी के वैल्यू को डीवैल्यूएट करती है तो इसके पीछे का रीजन है इंक्रीज करना, इंकरेज करना एक्सपोर्ट को, ठीक है।
अब ये एक्सपोर्ट कैसे इनकरेज होता है, ठीक है, तो देखिए डीवैल्यूएशन पॉलिसी इज अडॉप्टेड टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने, यहाँ पे मैंने जो भी लिखा है थोड़ा उसमें बता देती हूँ बहुत सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपको लॉन्ग आंसर कभी अगर आप एमएम पढ़ते हैं, अगर आपको लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है 5 मार्क्स का है, ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स का है, तो आप यहाँ पे बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा कि डिवैल्यूएशन पॉलिसी इज अडॉप्टेड टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए अडॉप्ट किया गया, ठीक है, एज द करेंसी ऑफ इन कंट्रीज डीवैल्यूएटेड द कमोडिटी ऑफ दैट कंट्री बिकम्स चीप, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे दो करेंसी, यहाँ पे क्या है, इंडिया है, इंडियन रुपी है, ठीक है, और यहाँ पे है डॉलर, यहाँ पे दो तरह की करेंसी है, ठीक है, इंडियन रुपीस और डॉलर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कंट्री का जो करेंसी का वैल्यू है वो डीवैल्यूएट होगा, ठीक है, इस कंपेयर टू अनदर करेंसी, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो डॉलर है, यहाँ पे इंडियन रुपी का जो वैल्यू है ये क्या हो गया, सस्ता हो गया इसके लिए। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है मान लीजिए 65 रुपीज करके 1 डॉलर, ठीक है, 65 रुपीज़ सपोज हम कर रहे हैं, मान रहे, ठीक है, 65 रुपीज़ करके 1 डॉलर, तो इनके लिए यूएसए के लिए क्या होगा कि बहुत ही चीप होगा क्या करना, एक्सपोर्ट करना, ठीक है, वहाँ से वो कोई भी चीज़ें एक्सपोर्ट करे, मतलब हमारे लिए क्या होगा बेनिफिट, हमारे लिए क्या होगा नुकसान होगा, ठीक है, क्योंकि लेकिन ये क्या करेगा, अगर हमारा करेंसी का वैल्यू कम हो गया इस कंपेयर टू अनदर करेंसी, तो हमारे लिए हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दूसरे कंट्रीज हमसे बोलेंगे कि एक्सपोर्ट करने के लिए, क्यों बोलेंगे, क्योंकि उनके लिए सस्ता हो जा रहा है, क्योंकि हमारी रुपीस की वैल्यू क्या हो गई, घट गई है, डिक्रीज हो गई इस कंपेयर टू उनके रुपीस की वैल्यू, उनकी जो करेंसी है उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, इंडिया यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इनकरेज करता है एक्सपोर्ट को, क्योंकि यहाँ पे जब भी करेंसी का डीवैल्यूएशन होता है, ठीक है, तो हम लोग ने एक एग्जांपल लिया डॉलर का वैल्यू, जो करेंसी है डॉलर वो स्ट्रांग हो गया इस कंपेयर टू इंडियन रुपीस, ठीक है, डॉलर क्या है, स्ट्रांग हो गया इस कंपेयर टू इंडियन रुपीस, तो वो क्या करेगा, जो यूएसए का जो गवर्नमेंट है वो उनके अकॉर्डिंग क्या होगा कि वो बोलेंगे ज़्यादा ज़्यादा एक्सपोर्ट करिए, क्यों, वो एक्सपोर्ट इंडिया को बोलेंगे एक्सपोर्ट करने के लिए, इंडिया का क्या करेगा, यूएसए को क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि उनके उनका जो करेंसी का वैल्यू है वो क्या हो गया, कम हो गया, सस्ता हो गया, किसके लिए, यूएसए के लिए, ठीक है, यूएसए के लिए क्या हो गया, इंडियन रुपीज़ का वैल्यू क्या हो गया, चीप हो गया है, तो उनको बेनिफिशियल होगा, अगर वो वहाँ, अगर हम उनको एक्सपोर्ट कर देंगे तो यूएसए के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया, यहाँ पे क्या है, टू इंक्रीज इंकरेज एक्सपोर्ट, डीवैल्यूएशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जब डीवैल्यूएशन पॉलिसी इज अडॉप्टेड टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री एज द करेंसी ऑफ एन कंट्री इज डीवैल्यूएटेड द कमोडिटी ऑफ दैट कंट्री बिकम्स चीप, हम लोग का जो कमोडिटी है ये यूएसए के लिए क्या हो गया है, सस्ता हो गया, क्योंकि यूएसए का जो पैसा है वो ज़्यादा स्ट्रांग, उसका जो करेंसी है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गया इस कंपेयर टू इंडियन करेंसी, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब हम लोग देखे, ये वाला हमारा क्लियर हो गया, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें, टू डिस्करेज इम्पोर्ट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा ही, मान लीजिए थोड़ा जितना भी हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी इस कंपेयर टू अनदर करेंसी, तो हमारे लिए नुकसान ये हो जाएगा कि हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, हम दूसरे कंट्री से कोई भी चीज़ अपने कंट्री में इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्यों इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, समझते, देखिए यहाँ पे दो कंट्री हम लोग ने ले लिया है, एक है इंडिया और एक है यूएसए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए, हमारी जो कंट्री की वैल्यू है यहाँ पे एक डॉलर अकॉर्डिंग क्या हो जा रहा है हमारा, सपोज कर रहे हैं हम लोग, मान रहे ऐसा कि 65 रुपीज़ हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है, तो हम लोग दूसरे कंट्री से अगर कुछ भी इंपोर्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, हमें ज़्यादा पैसे पे करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए डिमेरिट है, ठीक है, ये हमारा नुकसान हो रहा है, तो ये अगर हम लोग डीवैल्यूएशन करते हैं तो इससे क्या होता है, डिस्करेज इम्पोर्ट को, इम्पोर्ट क्या होता है, डिस्करेज होता है, इनकरेज नहीं होता, इनकरेज होगा हमारा एक्सपोर्ट और डिस्करेज होगा हमारा इम्पोर्ट, ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। डीवैल्यूएशन करते हैं तो हमारा जो इम्पोर्ट होता है, जो हम लोग दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कोई भी कॉमोडिटी दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में इम्पोर्ट करते हैं, तो हमें काफ़ी महंगा पड़ता है, एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि हम लोग ने अपने करेंसी का क्या कराया है, डिवैल्यूएशन कराया है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसके बाद है टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है,
ये पॉइंट क्लियर होने के बाद अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे आ रहे हैं, करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हेन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अनफेवरेबल। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, अनफेवरेबल हो गया है। मतलब अनफेवरेबल कैसे होता है, देखिए क्या होगा, मैंने सिचुएशंस बताई थी कि कुछ सिचुएशंस होते हैं जब प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा, नुकसान कम होगा, या फिर हम लोग बहुत इस सेंस में समझ सकते हैं। मैंने हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट बताया कि ये चीज़ होता है कि एक होता है बैलेंस्ड, ठीक है, एक होता है अनबैलेंस्ड, और एक होता है दोनों होगा इक्वल पे। ठीक है, तो जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया, उसको करेक्ट करता है हमारा ये डीवैल्यूएशन, कैसे करेक्ट करता है मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो अभी हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बिगड़ गया, ठीक है, और हम लोग ने क्या किया, डीवैल्यूएशन किया। तो व्हेन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अनफेवरेबल, फेवरेबल नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा खराब हो गया है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा डेफिसिट है और सरप्लस बहुत कम है, अनफेवरेबल है। ठीक है, देन द डीवैल्यूएशन पॉलिसी इज अडॉप्टेड, हम लोग क्या करेंगे, डीवैल्यूएशन पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे, मतलब कि अपने करेंसी, अपने कंट्री के करेंसी को डीवैल्यूएट करेंगे इज कम्पेयर टू अनदर करेंसी विच कॉज ग्रेट एक्सपोर्ट। अगर हम लोग ऐसा करते, अगर हम लोग अपने कंट्री के करेंसी को डीवैल्यूएट करते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो करेंसी की वैल्यू वो कम हो गई और दूसरे कंट्री सोचने लगेंगे, सोचेंगे कि हमारी कंट्री की जो करेंसी है वो कम हो गई है, तो वो हमसे क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा ही एक्सपोर्ट करने को बोलेंगे हमारे कमोडिटी को, तो हम लोग बहुत ज़्यादा ही एक्सपोर्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि जो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया वो फिर से करेक्ट हो जाएगा फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल था। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर था बैलेंस ऑफ पेमेंट और उसके ऑब्जेक्टिव्स का। ठीक है, बहुत सिंपल था लेकिन इम्पॉर्टेंट था, क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैंने इसे बता दिया, और ये आपके एमए के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि एमए के एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस 5 मार्क्स में आ जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाएंगे, और आपको 1 मार्क्स में एमसीक्यूज तो इम्पॉर्टेंट है ही, तो इसे आप पढ़िए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और अगर आप आगे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करें तो वहाँ पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मैं डेली एमसीक्यूज पे क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ मॉर्निंग में, तो उससे भी आप देखा करिए, उससे क्या होगा कि आपकी जो आईक्यूज है, आपकी जो एमसीक्यूज, आप आंसर मत देखिए, खुद से आंसर कमेंट करिए, तो इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।